हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, जब भी मेरे पास कोई नई थीम का केक का ऑर्डर आता है ना, मैं इतनी खुश हो जाती हूँ कि चलो इस बार फिर से कुछ नया सिखाऊंगी। और इस एडिबल फोटो प्रिंट केक की तो रिक्वेस्ट बहुत दिनों से आ रही थी, बट क्या करूँ, कोई ऑर्डर ही नहीं आ रहा था। तो जैसे ही ये बॉस बेबी की थीम का ऑर्डर मिला, फटाफट से मैंने अपना काम शुरू कर दिया। और इसमें कुछ गड़बड़ भी हुई, वो मैं आपको वीडियो के दौरान दिखाऊंगी ताकि आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो। तो यहाँ पर फ्लेवर था ब्लैक फॉरेस्ट, तो उसके लिए मैंने ना 1.5 कप लिया है चॉकलेट प्रीमिक्स। उसमें अब मैं पानी डाल रही हूँ और बनाएंगे स्मूथ सा बैटर। और वैसे तो चॉकलेट प्रीमिक्स में पानी डालें तो कोई फ्लेवर डालने की जरूरत नहीं होती, आपका चॉकलेट फ्लेवर का केक बन जाएगा। मेरे ये जो कस्टमर है ना, उन्होंने कहा कि मुझे ब्लैक फॉरेस्ट का फ्लेवर हल्का सा चाहिए। तो फिर क्या था, मैंने इसके अंदर ऑयल डाला 1.5 टेबल स्पून और साथ में डाल दिया वनीला फ्लेवर, और इसी से ब्लैक फॉरेस्ट का फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि एज सच डेकोरेशन तो मैं उस हिसाब से नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उन्होंने थीम ही कुछ ऐसी दी है, बट फ्लेवर के लिए मैंने ये दोनों चीजें डाल दी। अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये जो चॉकलेट प्रीमिक्स है ना, ये मैंने जर्मन ब्रांड का चॉकलेट प्रीमिक्स यूज किया है फ्लेवरसम शॉप से। अगर आप इस प्रीमिक्स को मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मैंने नंबर दे दिया, आप उन्हें व्हाट्सअप मैसेज करके इसकी आधा केजी, 1 केजी, 2 केजी जितनी भी क्वांटिटी मंगवाना चाहें मंगवा सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टेस्टी ये प्रीमिक्स है। चलिए, बैटर रेडी हो गया है। अब इसको बेक करने के लिए मैंने यहाँ पर ये 6 इंची का बर्तन लिया है, और ये बर्तन भी ना मैंने वही शॉप से मंगवाया है। इससे छोटे और टॉल शेप के सारे केक बन जाते हैं। तो बस सबसे पहले इसमें ऑडी का इको बेक बेकिंग पेपर सेट कर देंगे। इसका फायदा यही है फ्रेंड्स कि पुराना पेपर भी हो ना तो उसे यूज कर सकते हैं, रियूजेबल है, इको फ्रेंडली है, इजी टू यूज है। तो अगर आप इस पेपर को भी लेना चाहते हैं ना, तो सबके ऑनलाइन परचेज लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है मैंने। और अब केक के बैटर को डाल करके मैंने केक टिन को टैप कर दिया है। चलिए अब चलते हैं ओटीजी के पास। तो इसको मैंने पहले से ही प्रीट कर लिया था 150 डिग्री पर सारी तरफ की रॉड्स को ऑन करके, और बेक करने के लिए मिडिल रैक में रख करके आप 150 डिग्री पर ही केवल नीचे की रॉड्स को ऑन करके छोड़ दीजिएगा। आपका फर्स्ट क्लास चॉकलेट स्पॉन्ज रेडी हो जाएगा। वैसे हमारा चॉकलेट स्पॉन्ज नहीं है, हमारा ब्लैक फॉरेस्ट के फ्लेवर वाला केक है। चलिए अब इसके लिए क्रीम को व्हिप कर लेते हैं। और बहुत सारे लोग ये भी पूछते रहते हैं लगातार कि मैम आप क्रीम कौन सी यूज़ करती हैं, प्रीमिक्स कौन सा यूज़ करती हैं। तो देखिए, सारी चीज़ें मैं अपने वीडियोज़ में डिटेल में बताती हूँ, बट अगर आप स्किप कर देंगे तो कैसे देख पाएंगे। तो यहाँ पर ना फ्रेंड्स एक गड़बड़ हुई, मैंने क्रीम इसके लिए व्हिप करी लगभग 200 ml। मुझे लगा इस थीम के केक में ज़्यादा डेकोरेशन नहीं है ऊपर, तो इतनी क्रीम में काम चल जाएगा। और वहीं दूसरा केक का ऑर्डर भी था तो मुझे क्रीम को यहाँ से लेना पड़ा, और जिसमें मेरी क्रीम ना कम पड़ गई। खैर, उसे कैसे मैंने सेट किया भी दिखाऊंगी। तो ये हमारी क्रीम व्हिप हो गई है, केक स्पॉन्ज मैंने केक टिन से बाहर निकाल लिया है, और अब ना हम इसकी लेयर्स को कट करेंगे। तो लेयर को कट करने के लिए फ्रेंड्स ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके पास ब्रेड नाइफ हो, आप नॉर्मल चाकू से भी कट कर सकते हो। बस हल्का सा कट दे देना और धागे से उसको कट कर लेना। और ये मैंने मेथड कई बार अपने चैनल पर दिखाया हुआ है। चलिए अब इस केक की ना पतली पतली 3 लेयर कट कर लेते हैं। ये देखिए, अब इस केक की आइसिंग करते हैं। तो आइसिंग करने के लिए सबसे पहले मैंने एक लेयर रखी है, उसको चीनी और पानी के मिक्सचर से ना हल्का हल्का ब्रश की मदद से आपको मॉइस्ट करना है, स्पून नहीं लेना है, नहीं तो कहीं पानी ज़्यादा चला गया तो वो सॉगी हो जाएगा। अब इसके ऊपर एक लेयर क्रीम के लगाने के लिए मैंने क्रीम रखी है, थोड़ा सा पैलेट नाइफ से स्प्रेड कर देंगे इवनली। क्रीम को बिल्कुल प्लेन करना है आपको, अगर आपने ऊपर नीचे कर दी तो केक की शेप बिगड़ जाएगी, और साथ के साथ ना इसकी क्रम कोटिंग भी करते चलिए। अब ये है ब्लैक फॉरेस्ट का केक, तो इसमें जाएगा चेरी का क्रश या फिलिंग। तो मैं दोनों ही चीज़ें डाल रही हूँ ताकि उनको अच्छे से टेस्ट आए, क्योंकि ऊपर तो हम चॉकलेट शेविंग्स डाल नहीं पाएंगे, तो हमें अंदर लेयर में ही उसके सारे फ्लेवर को करना होगा। तो यहाँ पर मैंने 1.5 टेबल स्पून डाला है क्रश, 1 टेबल स्पून डाल दिया उसकी फिलिंग, और अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। ऐसे ही दूसरी लेयर रखेंगे, इसको भी मॉइस्ट करेंगे, और ऐसे ही सारी प्रोसेस को कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, वैसे तो मैं अपने चैनल पर अपने वीडियोस में हर चीज़ डिटेल में दिखाती हूँ, मेरी वीडियोस इसीलिए लंबी हो जाती हैं, बट लगातार रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम छोटी वीडियोस बनाइए। तो मैंने कुछ दिन छोटी वीडियो भी बनाई, बट मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने बोला, मैम जितनी लंबी बना सकते हैं आप, 1 घंटे की बना सकती हैं तो बनाइए, हम तो टीवी सीरियल का भी वेट नहीं करते जितनी आपकी वीडियोज़ का करते हैं। तो उन सभी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, इसलिए अब मैं जैसे अपनी वीडियोज़ बनाती थी वैसे ही बनाऊंगी, और जिन्हें नहीं देखनी वो केवल स्किप कर सकते हैं या फिर म्यूट का बटन दबा करके देख सकते हैं, अगर उन्हें मेरी बकवास या बकर बकर जो वो बोलते हैं मुझे वो नहीं सुननी। क्योंकि मैं तो अपने व्यूअर्स के लिए अपना बेस्ट देने की कोशिश करती हूँ, अब भगवान ने जैसी मुझे आवाज़ दी है मैं वैसे ही तो बोलूँगी। चलिए, ये सब तो चलता रहेगा। बोलते हैं ना, निंदक नीरे राखिए, कुछ निंदा करने वाले अगर रहेंगे तो बढ़िया है, हमारा काम और फर्स्ट क्लास होता रहेगा। और यहाँ पर देखिए, मैंने थोड़ी सी क्रीम ऊपर भी लगा दी, और इसकी ना अब मैं क्रम कोटिंग कर लूँ। और जैसे मैंने बताया ना फ्रेंड्स, उस दिन बैक टू बैक 3 केक के ऑर्डर थे, तो बस मोबाइल शूट करते करते डिस्चार्ज हो गया था, एकदम बैटरी चली गई थी, तो मैंने उसे चार्ज पे लगाया, और बस उसके पीछे से मैंने ना थोड़ी सी क्रीम में ब्लू कलर डाला शेफ मास्टर का एक ड्रॉप, और अच्छे से ब्लू कलर की क्रीम बना करके ना पाइपिंग बैग में भर करके इसकी फाइनल आइसिंग कर ली। और ये सब मैथड तो आप मेरे चैनल पर डेली देखते ही रहें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि ये नहीं भी शूट होगा तो कोई बात नहीं, आपको ये सारा काम आता है।
और यहाँ पर स्क्रैपर से ना अब हम केक की फाइनल आइसिंग कर रहे हैं और इसके ऊपर हम अपने बॉस बेबी की थीम का एडिबल फोटो प्रिंट लगाएंगे। तो वो थोड़ा ब्लू कलर का था ना फोटो प्रिंट, इसीलिए मैंने लाइट ब्लू कलर चूज किया। जब भी हम कभी फोटो प्रिंट का केक बना रहे हो तो उस फोटो के थोड़े से कलर को देख करके ही हमें अपना केक का बेस कलर बनाना चाहिए। इससे केक ज्यादा अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव लगता है और एकदम थीम के हिसाब से लगता है। और यहाँ पर मोबाइल की वजह से एक और प्रॉब्लम का मुझे सामना करना पड़ा, लेकिन उसका डाउट मैं आपको यहीं क्लियर कर दूंगी। जैसे ही मैंने केक की आइसिंग करी ना फ्रेंड्स, तो मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई। तो मैंने अपनी बेटी को कहा कि तुम थोड़े से वीडियोस इसके इधर उधर करो, लैपटॉप में डालो सो दैट उसमें स्पेस हो जाए। और उस दौरान मुझे, क्योंकि केक के ऑर्डर बैक टू बैक देने थे, तो जो इसकी एडिबल फोटो प्रिंट थी ना उसकी मैंने कटिंग कर दी। बट आपको समझाने के लिए मेरे एक दूसरा वीडियो है, उसके मैं आपको क्लिप दिखा दूंगी सो दैट आपको समझने में आसानी हो जाए। तो यहाँ पर ना मैंने केक की अच्छे से आइसिंग कर ली और आइसिंग हो नहीं पा रही थी ढंग से क्योंकि बैक टू बैक काम था, तो मैंने ब्रश की मदद से पैटर्न भी बना लिया इस तरीके से। ये देखिए, आप चाहें तो स्क्रैपर यूज कर सकते हैं या फाइनल आइसिंग भी अच्छे से करके ना ये कोई भी पैटर्न ना बनाए, जैसी आपकी चॉइस हो, जैसा आपका थीम का रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने पैटर्न बना लिया और इस केक को इसके बाद मैंने फ्रिज में रख दिया। जब भी आप फोटो प्रिंट केक लगाने जा रहे हो ना, तो केक हमेशा आपका ठंडा होना चाहिए, तो उसको लगभग कम से कम आधा घंटे के लिए आपको फ्रिज में रखना है, तभी अच्छे से सेट हो पाएगा और एडिबल फोटो जब आप लगाएंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तभी केक को मैं साइड में रख देती हूँ। और ये जो मेरे हाथ में देख रहे हैं ना फ्रेंड्स, ये होती है दरअसल एडिबल फोटो प्रिंट, जिसे आप किसी भी बेकरी की रॉ मटेरियल वाली शॉप पर ऑर्डर दे करके बनवा सकते हैं। आपको फोटो देनी होती है, ये 150 से 200 रुपए में प्रिंट हो जाती है। और जितना मटेरियल आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये सब एडिबल होता है, मतलब आप खा सकते हैं। बैक साइड में एक प्लास्टिक की शीट होती है जिसे आपको रिमूव करना होता है उसी वक्त जब आप इसे अपने केक पर प्लेस कर सके। और ये बहुत ही नाजुक होती है, तो लाते ही आपको इसे ठंडी जगह पर रखना होगा, अदरवाइज ये मेल्ट हो जाती है। तो अपने केक के मेजरमेंट के हिसाब से आप इसे बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर भी फ्रेंड्स मैंने ऐसे ही बॉस बेबी के प्रिंट को इस शीट पर लिया था, बट उसकी कटिंग कर दी और वो पार्ट में शूट नहीं कर पाई, तो मैं आपको यहीं से दिखा देती हूँ। इसके पीछे ना फ्रेंड्स एक प्लास्टिक की शीट भी होती है, जिसको आपको अभी नहीं निकालना होता। जब आप इसकी फाइनल कटिंग कर लेना, जिस फोटो को आपको केक पर लगाना है, तभी आप निकालिएगा। नहीं तो अगर वो आपने पहले निकाल दी ना, तो आपके हाथों में चिपक सकती है, क्योंकि अभी आजकल चल रही है गर्मियां और गर्मी में चीनी जो है मेल्ट होती है। बट इन केस अगर आपकी मेल्ट पहले ही होने लगी तो क्या करना है, वो भी अभी आपको बताऊंगी। बट पहले इन दोनों को अलग कर लेती हूँ, बॉस बेबी को और वो जो क्यूट सा बेबी बना हुआ है। तो अभी मैं ना सीजर की मदद से केवल उसके लिखे हुए प्रिंट को अलग कर रही हूँ, और इसके पीछे ना अभी प्लास्टिक शीट लगी हुई है, मैं लगे के साथ ही कट कर रही हूँ। अगर आपको पूरा ही प्रिंट केक पर प्लेस करना है तब तो आप एक साथ ही हटाकर प्लेस कर दीजिएगा, बट मैंने ये इस तरीके से फोटो प्रिंट लिया है कि मुझे दो पार्ट्स में इसे लगाना है, तो इसीलिए मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। और ये बहुत ही नाजुक होती है, शुगर शीट होती है, तो गर्मी में अगर आप बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो ये मेल्ट भी हो सकती है। तो फटाफट से काम करने के बाद ना आप इस प्रिंट को फ्रिज में रख दीजिएगा 10 मिनट के लिए, सो दैट ये अच्छे से सेट हो जाए और इसे आप रिमूव कर सकें। तो यहाँ पर इसकी तो कटिंग हो गई, और ऐसे ही जो बेबी है ना इसकी भी मैं कटिंग कर लेती हूँ। और देखिए, आप जानते हैं कि मैं जिस रूम में काम करती हूँ वहाँ फैन ही, और गर्मी से देखिए जो इसके आसपास के पीस है ना, वो मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से हटने लग जाता है जब गर्मी ज्यादा होती है। तो आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है, कटिंग करके इस प्रिंट को फ्रिज में रख दीजिए, और जैसे ही फ्रिज से आप बाहर निकालेंगे चीनी जो है वो सेट हो चुकी होगी, और फटाफट से आप इसके बैक साइड वाली प्लास्टिक शीट को रिमूव कर लीजिएगा। तो इसको करने से पहले ना अपना केक वगैरह सब रेडी रखिएगा, ताकि फटाफट से आप इसे प्लेस कर सकें। तो पीछे की प्लास्टिक शीट मैंने रिमूव कर दी है, और अब इसे धीरे से एक ही बार में जहाँ आपको प्लेस करना है प्लेस कर दीजिएगा, क्योंकि बाद में आप दोबारा इसे उठा नहीं सकते, क्योंकि उसके पीछे क्रीम चिपक जाएगी और फिर ये उठानी मुश्किल हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे प्लेस करना था और मैंने प्लेस कर दिया है, और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी एयर बबल या गैप ना आए। तो हाथों से इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे तो सारी सलवट जो है वो निकल जाएगी, ऐसे कोई आती नहीं है। यहाँ पर बॉस बेबी के एडिबल फोटो प्रिंट को मैंने लगा दिया, और लगाते लगाते देखिए गड़बड़ हो गई, मेरा हाथ लग गया, तो अभी ब्रश की मदद से उसे ठीक करना होगा। तो आप बहुत ही सावधानी से ये काम कीजिएगा इस तरीके से। अब जो बेबी हमने प्रिंट करवाया है ना, उसकी भी बैक साइड वाली हम प्लास्टिक को रिमूव करेंगे साथ के साथ ही। जब भी फ्रेंड्स आप प्रिंट कोई लगा रहे हो ना, उसकी प्लास्टिक शीट उसी वक्त रिमूव कीजिएगा, पहले से नहीं। तो यहाँ पर मैंने ऊपर की तरफ ये लगा दिया है बॉस बेबी का ये क्यूट सा फोटो। तो यहाँ पर मेरा ये जो फोटो प्रिंट वाला काम था वो हो गया है। अब फ्रेंड्स मेरी क्रीम हो गई खत्म, क्योंकि मैं दूसरा केक भी बना रही थी, तो मैंने इसकी क्रीम उसमें लगा दी। तो मुझे थोड़ी सी लगभग 1/4 कप जो है क्रीम व्हिप करनी पड़ी इसके बॉर्डर के लिए, नीचे वाले और ऊपर के लिए। यहाँ पर मैं अगारो का जो इलेक्ट्रिक बीटर आता है ना, हैंड ब्लेंडर, उसके बीटर से क्रीम को व्हिप कर रही हूँ। ये देखिए स्विफ्ट पीक वाली क्रीम रेडी हो जाती है, थोड़ी सी भी क्रीम हो ना तो ये व्हिप कर देता है। और अब इसको मैं भरूंगी पाइपिंग बैग में। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मैम आप बॉर्डर किस नोजल से बनाती हूँ, तो आज वो भी क्लियरली दिखा देती हूँ। ये है नूर का 46 नोजल, और इसके जो दांते होते हैं ना आगे की तरफ होते हैं एकदम पॉइंटेड शार्प, छोटे छोटे खूब सारे, जिससे कि बॉर्डर बहुत सुंदर बनता है। तो अभी सामने ही आपके देखिए इसमें भर रही हूँ मैं,
इस तरीके से। और ये वाला नोजल ना सच में होना चाहिए, इससे रोजेट भी बन जाते हैं अलग तरीके के, स्टार फ्लावर भी बन जाते हैं, और बॉर्डर तो इतना खूबसूरत बनता है ब्रेडेड वाला नॉर्मल वाला कि आप देखते ही रह जाएंगे। अभी देखिए डायरेक्ट आपको स्पेचुला पर बना करके दिखाती हूँ, ये देखिए इसमें बहुत सारे आगे के दांत होते हैं ना, तो उससे छोटी छोटी लाइन्स वाला डिजाइन बनता है और यही हमें चाहिए। तो नीचे की तरफ तो मैं आगे पीछे वाला बॉर्डर बनाऊंगी, ये देखिए इस तरीके से हल्का सा नीचे से ऊपर उठा करके बेंड कर दीजिएगा, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा बॉर्डर आपका बन जाएगा। धीरे धीरे इसी सीक्वेंस को फॉलो करते रहिएगा, एक ही जैसा प्रेशर दीजिएगा ताकि आपका बॉर्डर एक जैसा बने। और बस नीचे की तरफ मैंने ये बना दिया है। एक्चुअली पहले उन्होंने बोला था कि चॉकलेट से कुछ लिखना भी है, इसलिए मैंने ये बोर्ड भी बड़ा लिया, बट बाद में मना कर दिया तो मैंने केक को शिफ्ट नहीं किया छोटे बोर्ड पर। और ऊपर की तरफ मैं ये वाला बॉर्डर नहीं बनाऊंगी क्योंकि जहाँ बेबी लगा हुआ है ना वहाँ स्पेस ही नहीं है, तो उसका जो सिर है वो कवर ना हो जाए, इसलिए मैं ये छोटे वाले फ्लावर बना रही हूँ। तो यहाँ पर एक चीज आपको बताती हूँ, अगर आपका फोटो प्रिंट का जो गैप है केक के किनारे से अच्छा खासा है तब तो आप अच्छा वाला बॉर्डर बनाइए, चोटी वाला बनाइए, जैसे भी आपको पसंद हो बनाइए। बट अगर आपका फोटो प्रिंट केक के एकदम किनारे पर आ गया है, क्योंकि केक का ऑर्डर मेरा आधा केजी का ही था और फोटो प्रिंट इससे छोटा लेती तो दिखता नहीं, तो मैं ये डिजाइन बना रही हूँ। और जब भी आप कभी फोटो प्रिंट करवाएं अपने केक का, पहले देख लें बर्तन कौन से बर्तन में आप केक बनाने वाले हैं, और उससे लगभग 1.5 इंची छोटा ही अगर सर्कल में बना रहे हैं तो वो बनाएं, और अगर पूरे पे बनाना है तो भी आप 1 इंची का गैप जरूर रखें ताकि आप बॉर्डर बना सकें। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी होंगी जब भी आप एडिबल फोटो प्रिंट का जो प्रिंट है वो मार्केट में बनने को दें। और अब ऐसा सच कस्टमर को ऐसा ही केक चाहिए था, इसके ऊपर कोई मैं एडिबल पर्ल्स वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है और इसमें कहीं गुंजाइश है भी नहीं। बट सिल्वर लश्टर डस्ट के बिना मेरा केक पूरा नहीं होता और उससे बहुत ही प्यारी शाइन आ जाएगी, तो मैंने लश्टर डस्ट को पंप में डाला है आपके आगे ही, और बस डायरेक्ट ऐसे ही सूखा ही हम स्प्रे कर रहे हैं, इसमें कोई लिक्विड वगैरह डालने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पर देखिए हमारा बॉस बेबी का थीम केक जो है एडिबल फोटो प्रिंट वाला, मतलब इस फोटो को आप खा भी सकते हैं क्रीम के साथ, वो बन करके तैयार है। तो आई होप आज की ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी, और जितने दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी ना कि मैम एडिबल फोटो प्रिंट लगाना सिखाइए, उसको मैंने आपको बनाना सिखा दिया है। टिप्स भी बता दिए हैं कि अगर आपकी ये पिघलने लगे तो आपको फ्रिज में रखना है शीट को। मुझे नहीं लगता ये जानकारी आपको किसी ने भी दी होगी, तो मेरी इस ट्रिक को फॉलो करके देखिएगा और रिजल्ट भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर लोग लिखते हैं कि मैम मेरी एडिबल फोटो प्रिंट जो है छूट ही नहीं रही थी पीछे से, मुझसे नहीं बना, तो मेरी ट्रिक्स को फॉलो कीजिएगा। और अभी ना फ्रेंड्स इस केक में इसकी पूरी प्राइसिंग मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको एडिबल फोटो प्रिंट वाले केक को सेल करना होता है, और शानदार सी पैकिंग, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मुझे केक ना एक पार्टी जगह पर पहुंचाना था, तो थोड़ी सी लुक अच्छी दूंगी तभी मेरे काम पर भी इफेक्ट होगा, तो मैंने यहाँ पर विंडो बॉक्स लिया है, इसे भी मैंने फ्लेवरसम शॉप से मंगवाया है, और इसके अंदर मैं अपना केक दूंगी। और ना जो ये केक लेने आने वाले थे वो बाइक पर आ रहे थे, तो आजकल ना हैंगिंग केक के जो हैंडल्स वाले बैग होते हैं वो भी आने लगे हैं पेपर के, तो आप उन्हें दे सकते हैं सो दैट वो आराम से इसे पकड़ करके ले जाए। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स को कर दिया है रेडी इस तरीके से, और देखिए इस तरीके से जब आप केक देंगे ना अपने कस्टमर को, वो कहेंगे ही नहीं कि ये किसी के घर से, मैं किसी होम बेकर से ला रहा हूँ, लगेगा कि किसी बहुत बड़े केक स्टूडियो या बेकरी से लेकर के आ रहा हूँ। और काम अपना इतना फिनिशिंग और नीट कीजिए कि उन्हें शक की कोई गुंजाइश ही ना रहे, जैसे कि यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की और मेरा केक बहुत ही प्यारा डिजाइनर सा लग रहा है जैसा कि उन्होंने मुझे कहा था। अब यहाँ पर ना फ्रेंड्स ये देखिए कुछ बैग्स मैंने मंगवाए हैं इस तरीके के, आप इन्हें आराम से खोलिए, और इसमें इतनी स्पेस होती है कि 8 इंची वाले बॉक्स में आप ये 8 इंची वाला केक का जो डब्बा है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उन्हें इसी तरीके से दूंगी, तो इस तरीके से मेरा केक हो गया है पैक बढ़िया से। चलिए अब इसकी प्राइसिंग की बात भी कर लेते हैं। तो एज सच ब्लैक फॉरेस्ट का केक मैं 500 रुपीज में दे देती हूँ, बट यहाँ पर तो ये थीम केक भी है, मैंने एडिबल फोटो प्रिंट भी बनवाया जिसमें मेरे 150 रुपए लगे, बॉक्स भी लिया है डिजाइनर वाला, एक हैंगिंग बैग भी दिया है, तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स अपना प्रॉफिट वगैरह लगा करके मैंने इस केक को 700 रुपीज में सेल किया। तो आई होप आज की इस वीडियो से मेरी जितनी भी मैंने टिप्स जानकारी आपको दी, जितना भी मेरे पास ज्ञान था एडिबल फोटो प्रिंट को लेकर के, पैकिंग को लेकर के, प्राइसिंग को लेकर के, मैंने अपना झाड़ दिया है, आपको बता दिया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा, और जिनको नहीं आया होगा उनके लिए तो मैं क्या ही बोल सकती हूँ। तो वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर साथ ही नए आए हैं पहली बार देख रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है ना उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर बार आपको मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे। और हाँ फ्रेंड्स 14 अगस्त से ना मेरी बेसिक टू डिजाइनर की ऑनलाइन प्रोफेशनल बेकिंग डिप्लोमा कोर्स की क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, जिसे आप अपने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी अटेंड कर सकते हैं, मतलब अगर आप बिजी हैं वर्किंग है तो भी आप अटेंड कर सकते हैं। और उस कोर्स में ना फ्रेंड्स आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हैं, बेसिक टूल्स की जानकारी से लेकर के आप केक की प्राइसिंग तक सेट कर सकते हैं, घर का बना फॉन्डेंट, कप केक, जार केक, बहुत सारे थीम केक्स,
ऐसा बहुत कुछ। तो इंटरेस्टेड लोग स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अगर व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो मैं उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर दूंगी कि कैसे आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं। तो अगर आप बेकिंग में आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज मुझे तुरंत कीजिएगा। एंड में मैं आपको सर्टिफिकेट भी डिप्लोमा का प्रोवाइड करूंगी, जिससे आप अपना कहीं जॉब या बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो जरूर मैसेज कीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिर से कुछ नया सीखने के लिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप ट्राइंग एंड कीप बेकिंग।